इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास वेयर लाइक्स और कॉन्स होता क्या है और इसको इनके दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे और इसको कब इस्तेमाल किया जाता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वेयर की। तो वेयर हमारे पास पहले इस्तेमाल किया जाता था लेट 90s में, लेकिन अब हम यूज करते हैं लेट उसकी जगह। ठीक है, लेट या कॉन्स्टेंट में क्या फर्क है इसको भी हम देखेंगे, लेट कब यूज करते हैं और कॉन्स कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड पे आ जाते हैं वेयर की एग्जांपल हम कैसे हो सकती है, कंसोल डॉट लॉग तो आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, जैसे कि कोड में स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो ये कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने एक लिख लिखा हुआ पॉज कर दिया था ताकि आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। कंसोल डॉट लॉग फिर ब्रैकेट जावा स्क्रिप्ट और इस तरीके से हमने एक कोड एक रन कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वायर, क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं वायर लेट्स एंड कॉन्स्टेंट। वेयर का मैं बता चुका हूँ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को जो है यानी वेरिएबल को डिस्प्ले वो करता है। तो वेरिएबल जो है 90s के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, अब जो 90s के कोड होंगे उसमें तो हम वैल्यूज करेंगे, लेकिन जो नए कोड है उसके लिए हम लेट या कॉन्स्टेंट है। तो ये एक्मा स्क्रिप्ट जो है, अब जो हमारे पास चलिए वो एक्मा स्क्रिप्ट 6 से आने से पहले जो है वैल्यूज किया जाता था, अब जो भी कोड है वो लेट या कॉन्स्ट में होंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको कंफ्यूजन लेट वेयर और कॉन्स की होगी। कॉन्स क्या है, ये डिसाइड किया कॉन्स यानी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल को कॉन्स्टेंट कर दिया जाए। जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि हम ए यूज करेंगे, अब इसमें वेरिएबल में देख रहे हैं आप ए भी यूज हो रहा है, बी भी यूज हो रहा है, सी भी, और इसी तरीके से कंटिन्यू भी चल सकता है, डी सी एफ। लेकिन ये क्या गया है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि वेरिएबल को कॉन्स्टेंट किया जाए और उसी के अंदर स्ट्रिंग बनाई जाए। तो स्ट्रिंग क्या होती है, तो इस वीडियो में हम आगे जाके स्ट्रिंग को भी डिफाइन करेंगे। तो अभी तक के लिए लेट वेयर और कॉन्स्टेंट का जो है अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप तक का। अब थोड़े से और आगे मजीद देखते हैं इस वीडियो को। सेकंड चीज आपको बताते चले कि इसके अंदर हम बात करेंगे अब लेट और वेयर को हम कंपेयर करा रहे हैं कि क्या फायदा है लेट और वेयर के अंदर। तो हम आ जाते, देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है कोड, मैंने थोड़ा सा स्किप करा, डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट और लेट। अब मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू 55 और बी इज ए इज इक्वल टू नॉलेज, यानी मैंने ए को दो बार लिख दिया। ठीक है, पहले मैंने एबीसी लिखा था, अब मैंने ए को दो बार रन किया। लेट के अंदर ए ये क्या रन कराएगा या नहीं कराएगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं जब रन करा रहा हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एरर शो हो गया, आपको डिबग में एरर शो हो गया। लेकिन मतलब आप कोई मिस्टेक करेंगे तो लेट जो है पहले ही आपको एरर शो कर देगा कि आपका प्रोग्राम पूरा खराब ना हो, लेट की ये खूबी है। लेकिन वार के अंदर ऐसा नहीं है, वार के अंदर हम आपको चेक करा देते हैं। अगर हम वार यूज करेंगे कोडिंग के अंदर आगे जाके तो हमारे पास क्या होगा, ये भी वार हम यूज कर रहे हैं कोडिंग के अंदर, अब हम रन कराएंगे इसको। तो अब देखिए ये हमारे पास कोड जो है रन हो गया है, आप नीचे देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट नॉलेज लिखा हुआ आ रहा है ये मेरे पास नीचे, अभी देख सकते हैं टाइमिंग 8:55 की दे रही है, ये कोड रनिंग हुआ है हमारे पास। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जावास्क्रिप्ट नॉलेज अभी हमारे पास, जबकि मैंने लास्ट टाइम जो यूज किया था लेट। तो इसमें ये मसला है कि वेयर जो है एरर शो नहीं करता, जब हम पूरी प्रोग्रामिंग कर लेते पूरी कोडिंग कर लेते तो आगे जाके हमें पता नहीं चलता कहाँ एरर था, पूरी कोडिंग अब हमारी खराब हो जाती है। लेट की ये खूबी है, ये जो है हमारे पास एरर कोडिंग के अंदर ही रन कराते वक्त ही आपको शो कर देगा, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी कोडिंग खराब हो जाए। अब ये इसमें मेरे पास एरर है, वार के जरिए नहीं पता चला, लेकिन लेट के जरिए हमें समझ में आ रहा है ये एरर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होने वाला है किससे रिलेटेड। तो उम्मीद है आपकी जो कंफ्यूजन होगी लेट वेयर और कॉन्स्टेंट की तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब कॉन्स्टेंट की एक बात बताना रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हम कॉन्स्ट यूज करेंगे, कॉन्स यानी सी ओ एन एस टी, आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो फिर हम ये सिंबल यूज करते हैं सी ओ एन टी कॉन्स्ट। ठीक है, ये कौन से यानी कॉन्स्टेंट, अगर वैल्यू कॉन्स्टेंट आते ही जहन में यह बात आती है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर वैल्यू चेंज होगी तो फिर हम उस कंडीशन में लेट यूज करेंगे। तो अभी हमारे कुछ तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मजीद ने, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा टाइप कितनी होती है, 7 टाइप की हमारे पास डेटा टाइप होती है। कौन कौन सी डेटा टाइप होती है हमारे पास, इधर ही मैं रन कर देता हूँ, एन एन बी बी एस एस यू, ये याद करने का तरीका है 7 टाइप की प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, एन एन बी बी एस एस यू, आपको ये देखिए कुछ कोड ऑलरेडी हमारे पास
रेपलिट की खूबी है कि उसने ऑलरेडी ही फाइलें लोगों के जो है चीज़ें जो होता है काम होता है वो सेव किया होता है, किसी का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी सेव हुआ है, तो हमारे पास ये डेटा टाइप नजर आ रहा है। तो ये 7 टाइप की डेटा प्राइमेटिव टाइप होती है। लेट कॉन्स्ट और वाला वाला टॉपिक अब खत्म हो चुका है, अब हम आए हैं नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर डेटा टाइप के अंदर 7 NNBBSU। NNBBSU किसकी फुल फॉर्म है उसको मैं बस डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमेटिव डेटा टाइप। ठीक है, प्राइमेटिव डेटा टाइप क्या होती है मैं बता चुका हूँ, 7 टाइप की होती है। ये कौन कौन सी होती है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, ये सारी हमारे पास NNBBSU यहाँ पास सारी डेटा टाइप के अंदर आती है। तो इसमें आपके पास स्क्रीन पे शो होगा एन से आता है नंबर, फिर सेकंड दो दफा एन है तो एन से नल, बी से बुलियन, बी से बिगिन, एस से स्ट्रिंग, एस से सिंबल और यू से अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास है 7 टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, 7 टाइप ऑफ डेटा टाइप हमारे पास ये कहलाती है। डेटा टाइप क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास इस डेटा टाइप के अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है और नंबर। स्ट्रिंग किस तरीके से बनानी है हमारे पास इसको हम देख लेते हैं। तो छोटा सा टास्क आपको दिया जाएगा ताकि वो आपको समझने में आसानी रहे असाइनमेंट टाइप का, ताकि वो हम कर सके उसी को हम इसी इसके इसी में सॉल्व कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम डेटा टाइप को देख लेते हैं, डेटा टाइप के एक एग्जांपल भी सॉल्व कर देते हैं विद कोडिंग। तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा ये NNBBSU प्रिमिटिव डेटा टाइप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लेट ए इज इक्वल टू नल, यानी ए जो है एग्जांपल हो गई नल की, बी हमने बोला था नंबर, यानी कि एक एन नल था और एक जो नल नंबर, नंबर यानी 3, 4, 5 कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड 1, 2, 3। और जो स्टेटमेंट जैसे ट्रू होती है, ये हमारे पास था नंबर बुलियन। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलियन आ जाएगा, फिर उसके पास बिगिन आ जाएगा, फिर हैरी जो हमारे पास सिंबल आ जाएगा हमारे पास जो भी है, और यू जो था हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये 7 टाइप ऑफ डेटा टाइप है हमारे पास, जिसकी हमने एग्जांपल देखी नंबर, नल, बुलियन, ठीक है, बिगिन और सिंबल और अनडिफाइंड। तो ये 7 टाइप हमारे पास आ जाते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक का। हाँ, 7 टाइप ऑफ डेटा टाइप है, इसको याद करने का तरीका ये NNBBSU। ठीक है, तो ये डेटा टाइप की हो गई थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास, एक प्रिमिटिव है और एक नॉन प्रिमिटिव। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो है वो कल आएगी, नेक्स्ट वीडियो हमारे पास सैटरडे को आएगी, सॉरी। और कुछ इशू की वजह से ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, फेसबुक पे ही अपलोड होगी, बाद में अपलोड होगी।